नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक चैनल में। और मैं ज्ञानुराम आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह जानवर का वशीकरण का प्रयोग, जो कि यूँ समझो कि हिला के रख दे। इसका प्रयोग कोई भी है जागृत प्रयोग, इसकी सूल विशेष तौर पर सिद्ध की जाती है। उसकी सिद्ध करने की विधि बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ओनली इसके बारे में वशीकरण कैसे होता है वो बताता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना मित्रों, इस जानवर को ये देख रहे हैं आप फोटो, ये आपको कहीं पर भी मिल जाता है, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी ये जो कांटे हैं, इसकी जो सूल है, ये पंसारे के दुकान पर भी मिल जाती है। लेकिन मेरा मानना नहीं है कि पंसारी की दुकान पे मिलती, वो नकली होती हैं और ये रियल है। मेरे पास ऐसी है, बहुत सी सूलें पड़ी हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब इससे वशीकरण कैसे करें, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सही का कांटा ले लेना है। कांटा लेने के बाद आपको अष्टगंध और गोरोचन लेके एक भोजपत्र ले लेना है। एक भोजपत्र लेके और एक आपको जिस पे आप वशीकरण करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, ये फटाक से वशीकरण होता है। और ये समझो कि संभोग वशीकरण है। फोटो ले लेना है और उस फोटो के ऊपर सिर्फ तीन नाम लिखने हैं आपको। अब ध्यान से सुन लीजिए, खन्नास, नमरूद, सदात, ये उस भोजपत्र पे नाम लिखने। और नीचे उस लड़की हो चाहे लड़का, उसका और उसकी माँ का नाम लगा देना, ठीक है। ये शैतानी प्रयोग बता रहा हूँ मित्रों, बहुत ख़तरनाक है, हर एक ना करे। और बाकी इसमें कोई डर भी है, कोई नुकसान खतरा कोई भी नहीं, बच्चा भी कर सकता, बूढ़ा भी कर सकता, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। ये इस भोजपत्र पे लेके और उसका फ़ोटो है, उसका फ़ोटो जैसे ये तीनों नाम है उसके ऊपर ऐसे, मतलब फ़ोटो के आर पार हो जाने चाहिए, मतलब एक साइड भोजपत्र आ जाए और फ़ोटो रखे और फ़ोटो के अंदर से भोजपत्र के बाहर तक ये सही की सूल निकाल लें। बात आप समझ रहे होंगे शायद, जैसे कि वो यंत्र है उसको आपने फॉल्ट कर लिया, जो मतलब यंत्र बनाया, जो आपने से ये नाम लिखे थे तीन शैतानों के, नाम लिखने के बाद उसको एकदम फॉल्ट बना लेना, चौकूरा चार कोनों वाला बना के। और उसको क्या करना है कि उस यंत्र के ऊपर सूल से आर पार फोटो के एकदम बीच जो फोटो होगा उसका साथी होगी, सीना होगा जहाँ उसका दिल होता, उसके सामने से आर पार लंगा के निकाल के सूल को, और आप कहीं भी चलते हुए पानी में लटका दे उसको। ध्यान रहे कि वो चलते हुए पानी में जाए ना, कोई चीज़ से बांध के रख ले उसको, ताकि पानी उसके अंदर से ऐसे गुजरता रहे आप पास से, या फिर किसी हवा में भी आप पेड़ पौधे पर भी लटका सकते हो। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि वो कोई आपके अलावा और किसी को पता ना हो, ना ही कोई देखे। और ये किसी भी बार, किसी भी त्यौहार, कभी भी कर सकते हो, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार विशेष दिन होते हैं इसके, ठीक है मित्रों। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि दो घंटों के अंदर अंदर आपका जो महबूब होगा वो यूँ समझो कि पागलों की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा, और जो आप चाहोगे वो उसी चीज़ में हाँ करेगा, जैसा आप उसको कहोगे वो बात मानेगा। ये एक भयानक प्रयोग मैंने बता दिया है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। अगली वीडियो में इसका उच्चाटन का, मारण का, विधिवेशन का सभी प्रयोग आपको बताऊंगा।